अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा इकराम, आपके सामने जुनेद कामाल हाज़िर हैं। चैप्टर टू का जो है लेक्चर नंबर वन पे हम बात करेंगे, जिसका टॉपिक है, मेजर टॉपिक, सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात या तहरीक अलीगढ़, सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ मूवमेंट। यानी पेपर में ये जो क्वेश्चन आता है, या तो ये लिखा हुआ आता है कि राइट डाउन द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात तहरीर कीजिए, या व्हाट डू यू नो अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट, तहरीक अलीगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के करीब एक घराने में पैदा हुए, सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ था, और अपने ही घराने के लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया। फिर इसी तरह जो है मौलाना महकूम अली नाम के एक साहब थे, उनसे उन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ों का जो दौर शुरू हुआ 1857 के बाद शुरू हुआ, इससे पहले जो है मुग़ल दरबार से इनका ख़ानदान वाबस्ता था। सर सैयद अहमद ख़ान भी कुछ अरसे तक बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में मुग़ल दरबार से वाबस्ता रहे। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब तब्दीली देखी अंग्रेज़ों के आने के बाद, उस तब्दीली पर जो है मुसलमानों को लाने की कोशिश की। वो तब्दीली क्या थी? वो तब्दीली ये थी कि मुसलमान जदीद उलूम को हासिल करें तो वो अंग्रेज़ से मुकाबला कर सकते हैं, वरना वो अंग्रेज़ से मुकाबला करना इनके बस में नहीं। तो लिहाजा उनकी कोशिश ये थी कि अंग्रेज़ी इल्म हासिल करें मुसलमान, चाहे इनके मर्द हो चाहे औरत हो। मुसलमानों के यहाँ जो इल्म हासिल करने का रिवाज था, वो ज़्यादातर जो है अरबी और फ़ारसी की किताबें और कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना था। जबकि सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान जो है ये भी यूरोपियन कौम की तरह जब तरक्की कर सकती है जब ये यूरोपियन लोगों के जो है उलूम को हासिल करें, अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करें, जो उस वक़्त का जदीद दौर का जो है तकाजा था। लिहाजा उनकी ये कोशिश थी। अब उन्होंने कोशिशों का आगाज़ किस तरह किया, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल सर्विसेज, तालीमी खिदमात। मुरादाबाद में इन्होंने सबसे पहले एक मदरसा खोला। उस मदरसे में जहाँ उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम थी और कुरान और हदीस की तालीम थी, वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी की भी तालीम रखी। सिलेबस के अंदर अंग्रेज़ी को भी, मतलब निसाब के अंदर एक मतलब हिस्सा दिया उसको भी। मुसलमान जो है वो इस बात को समझ नहीं रहे थे। अपने बच्चों को उन्होंने भेजा तो सही, लेकिन वो मदरसा कामयाब हो नहीं सका। 1859 की बात है जब ये मदरसा शुरू हुआ, लेकिन इसका रिज़ल्ट वो नहीं आया, उसका नतीजा वो नहीं निकला कि जो सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे। सर सैयद अहमद ख़ान के पास एक मुकम्मल तालीमी निसाब भी नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इससे आगे जो है ना, गाज़ीपुर एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने एक स्कूल खोला, मलका विक्टोरिया, जो कि इंग्लिस्तान की मलका थी, उनके नाम पर ये स्कूल उन्होंने खोला। इस स्कूल के खोलने का मकसद ये था कि इसमें जो है तमाम जदीद तालीम सिखाई जाएगी, चाहे वो साइंस के मजामीन हो, चाहे वो माशरती उलूम हो, सोशल स्टडीज़ हो, और चाहे मतलब रियाजी, मैथमेटिक वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल जो है जदीद तालीमी निसाब को देखते हुए इन्होंने मुरत्तब की। अब इस काम में उनके साथ बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की। अंग्रेज़ों ने भी जो है इनको ग्रांट देना शुरू किया, मतलब चंदा देना शुरू किया। मुसलमानों के जो मुख़य्यर हज़रात थे, उन्होंने भी इनको चंदा दिया। इस चंदे से जो है ना इनका ये स्कूल चल रहा था। ये स्कूल जो है, समझ लें आप, मुसलमानों का पहला अंग्रेज़ी स्कूल था, जिसमें जदीद इल्म के साथ साथ एक मज़मून रख दिया उन्होंने इस्लामियात का भी, और एक मज़मून उन्होंने संस्कृत का भी रखा, जो उस ज़माने में चूँकि
हिंदू सोसाइटी थी तो हिंदी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी था, तो संस्कृत का भी उन्होंने एक मज़मून रखा। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट थे वो जो साइंस के मजामीन थे, ज़्यादातर जो है सोशल स्टडीज़ थी, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है इन्होंने अपने निसाब को मुरतब करके और बलाखिर 1864 के करीब विक्टोरिया स्कूल का आगाज़ किया। इसमें इनको कुछ पेशरफ्त मिला, मुसलमानों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये सोच विचार का एक मौका मिल गया कि जनाब हमें अपने आप को बदलना है, तो हालात का अगर मुकाबला करना है तो अंग्रेज़ी तालीम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये अपने पूरे टीम के साथ जो इनके रफ़का थे, जिसमें डिप्टी नज़ीर अहमद साहब थे, जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे लोग, मौलवी अब्दुल हक साहब जैसे लोग, अल्लामा शिबली नुमानी जैसे बड़े नाम इसके अंदर मौजूद थे, ये इनकी भरपूर मदद कर रहे थे। निसाब जो है उसका अंग्रेज़ी में से उर्दू में तर्जुमा करना ये काम भी कर रहे थे। रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ के नाम से इन्होंने एक रिसाला भी शुरू किया, और अंग्रेज़ी रिसाले को देखकर जो है इन्होंने इस रिसाले के अंदर मुसलमानों की इख़लाक़ की जो है वो तरबियत शुरू की कि मुसलमान इख़लाक़ी तौर पे जो गिरावट का शिकार है वो किसी तरह के से सही हो जाए। इसी तरह इनकी ये भी कोशिश थी कि मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के दरमियान जो एक खलीज कायम है, एक नफ़रतें कायम है, वो किसी तरह ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो जो है ताम अहले किताब के नाम से एक किताब लिखते हैं, इसमें वो बहस करते हैं कि जो है ईसाइयों के साथ खाना खाना जो है मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही है। ईसाइयों के साथ मुसलमान खाना खा सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है उसका मतलब उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गैर मुस्लिमों की दावत भी कबूल किया और गैर मुस्लिमों के साथ खाना भी खाया। गोया वो ये कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ जो कि मजहबन ईसाई हैं उनके दरमियान एक राबता हो जाए, उनके दरमियान जो ये गैप आया हुआ ये गैप ख़त्म हो जाए। बल आखिर उनकी इन कोशिशों से जो है स्कूल से जो है आगे बढ़कर ये कॉलेज की तरफ गए। अलीगढ़ एक मशहूर शहर है, उस शहर के अंदर इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज के नाम से इन्होंने एक कॉलेज का आगाज़ किया। ये कॉलेज जो है दो कमरों पर मुश्तमिल था, और मतलब इनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं थी जो एक कॉलेज को मिलनी चाहिए, लेकिन और जगह भी अंग्रेज़ों की थी, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस दफ़ा जो है अंग्रेज़ सरकार ने इनकी भरपूर मदद की और कॉलेज की इन्होंने ये बुनियाद रखी। और मतलब 1920 में यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ के नाम से मशहूर हुआ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी बनी। एक अजीब बात यह है कि अलीगढ़ जो माजी में जो है ताले बनाने के लिए मशहूर था, यानी लॉक्स के लिए ना, लॉक्स बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो अलीगढ़ मशहूर था, मुसलमानों की इस यूनिवर्सिटी के वजह से ये मशहूर हो गया, ये सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिश थी। सर सैयद अहमद ख़ान की भरपूर कोशिशों की वजह से एक ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ 1920 के करीब। सर सैयद अहमद ख़ान जो है खालिजतन एक इल्मी आदमी थे, सियासत से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, जबकि अंग्रेज़ों ने एक जमात बना ली थी। एलन एक्टिव ह्यूम नाम का एक अंग्रेज़ था, उसने कांग्रेस की बुनियाद रख दी, और हिंदू चूँकि जो है मुसलमानों से तालीमी मैदान में आगे थे, उनके अंदर ये शऊर पहले आ गया था, तो लिहाजा उन्होंने उनके यहाँ कॉलेजेस बनना शुरू हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हो गई, तो उनके यहाँ पढ़े लिखे लोगों की भी तादाद थी। अब ये एक बड़ी तादाद के अंदर पॉलिटिक्स में भी जाना शुरू हो गए, तो कांग्रेस में ज़्यादातर जो मेंबर थे वो सब के सब हिंदू थे, मुसलमान चूँकि पढ़े लिखे थे नहीं,
गिने चुने कुछ मुसलमान अगर पढ़ लिया लिख लिया तो वो जो है मतलब मौजूद थे, वरना जो है, तो इसलिए सियासत में जो है मुसलमान उसमें मौजूद नहीं थे, अमली तौर पे सियासी मैदान से बहुत ही दूर थे। बहरहाल मुसलमानों को सियासत से दूर रहने की इनकी भरपूर तलकीन थी, यानी उनका ये कहना था कि डू नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एनी काइंड ऑफ पार्टी, मुस्लिम शुड नॉट टेक पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब हर मुमकिन तौर पे मुसलमान सियासत से दूर रहे। सियासत से दूर रहने का मशवरा इसलिए था कि सियासत के अंदर ये होता कि जब ये हुकूमत के खिलाफ मुसलमान अगर निकलते और कोई सियासी नारा अगर लगाते तो 1857 में वैसे ही जो है उस जंग आज़ादी के दौरान एक बड़ी तादाद में मुसलमान अपनी जाने गंवा बैठे थे। ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों के और मुसलमानों के दरमियान फिर एक नफ़रत की दीवार कायम हो और अंग्रेज़ सरकार जो है वो मुसलमानों को मतलब अताब का निशाना बनाए, तो इसलिए जो है वो ये चाहते थे कि इस वक्त मुसलमान सिर्फ पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान रखे और अपनी भरपूर कोशिश के साथ जो है तालीम हासिल करे, इसके मैदान में अपना अपने आप को कामयाब करे, फिर इसके बाद अगला स्टेप हो सियासत का। ये उनका मन उनकी अपनी मंशा थी। बहरहाल फिर भी इसके बावजूद ये सर सैयद अहमद ख़ान जो ये कहा करते थे कि जो हिंदुस्तान है एक दुल्हन के मानिंद है, इसकी दो आँखें हैं, एक आँख हिंदू है और दूसरी आँख मुसलमान है, ये कहने वाला आदमी एक दिन जो है बैठा हुआ और उसके मुंह से ये बेख्तियार बात निकली कि मैं तो ये देख रहा हूँ हिंदू और मुसलमान एक अलहदा कौम नज़र आ रही है मुझे, और मुस्तकबिल में मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों कौम साथ मिलके नहीं रह सकती, और मुसलमानों के लिए बाकायदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पहली दफ़ा कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस बिना पर इनको फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, यानी दो कौमी नज़रिए के खालिक थे ये। सियासत के लिहाज से इन्होंने ये कोशिश की कि मुसलमान सियासत से दूर रहे, वहीं उन्होंने मतलब दो कौमी नज़रिए की बुनियाद भी रख दी। जब अलीगढ़ तहरीक जो है वो आगे चल के जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई तो इसी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग में बड़ी तादाद में ये लोग शामिल हो गए, और फिर इसके बाद इसी मुस्लिम लीग ने बलाखिर मुसलसल जद्दोजहद के बाद 1947 में एक अपना अलहदा वतन हासिल किया। किस बुनियाद पर? दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर, टू नेशन थ्योरी के बुनियाद पर, और इसके बानी कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो इन मुसलमानों से कहा था कि आप किसी तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, यही मुसलमान जो है 1906 में इन्होंने बाकायदा सियासत में हिस्सा लिया, और अलीगढ़ तहरीक के जो है जो इनके रफ़क़ा थे इन्होंने मतलब मोहसिनुल मुल्क और वक्कारुल मुल्क इन्होंने मिलकर बैठ के जो है मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, और रखी भी कब? जब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हर साल सर सैयद ने मतलब हर साल जो मुनक़िद किया करते थे, उसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1906 में ढाका के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई, और इस तरह मुसलमान जो है सियासत के अंदर भी शामिल होता चला गया। इसको इसके बारे में जो है कि मतलब सर सैयद अहमद ख़ान की क्या खिदमत थी, तो अगर हम अगर जायज़ा लें तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है इन्हीं के वजह से मुसलमान जदीद तालीम हासिल करना शुरू हुए, और इसी तरह जो है मुसलमान
जो है जो एक एक अलग रुख पे चल रहा था वो सही रुख पर आ गया, और फिर इसके बाद मुसलमानों के अंदर इस जदीद तालीम की वजह से ये तब्दीली नज़र आई कि जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें पैदा हुए इसी वजह से, और बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, और इसके अलावा एक एक समझ लें पूरी एक पढ़े लिखे लोगों की एक खेप जो है वो तैयार हुई जो जदीद तालीम से आरास्ता थी और वक्त और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती थी। इसी बात के साथ साथ मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान की ये खिदमत थी। अगर सर सैयद अहमद ख़ान नहीं होते तो आप यूँ समझ लें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जितने स्कूल नज़र आ रहे हैं ये नहीं होते, और जितने कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं ये नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, और ना ही कोई रिसर्च हो रहा होता, ना ही जो है मतलब इस वक्त जो हम मुसलमान जो तरक्की जो नज़र आ रही है वो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे इससे बिल्कुल नाबलद रहते। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एहसान है सर सैयद अहमद ख़ान का, इसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ को आपको मेरी ये बात इंशाल्लाह समझ में आ गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी अगली बात इंशाल्लाह करेंगे। जब तक के लिए आप इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।